हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सुपर ट्रिक्स देखेंगे, जो कि जे मेंस के क्वेश्चन को हम लोग 10 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम अगर हम लोग बोर्ड के मेथड से सॉल्व करें तो कम से कम मैक्सिमम टाइम हम लोग का 4 से 5 मिनट चले जाता है, और हम लोग इसको 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, लेट कैपिटल का एम एंड स्मॉल का एम बी रेस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट मैक्सिमा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 12x प्लस का 5 इन द इंटरवल 0,3। इंटरवल क्या गिवन है हमको, 0,3। देन कैपिटल का m माइनस का स्मॉल m इज, वो 5 होगा या 9 होगा या 4 होगा या 1 होगा, ये हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को जेई 2018 का ये क्वेश्चन आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग को सीखना है। देखिए, अब सपोज के लिए मुझे कैपिटल एम चाहिए, तो कैपिटल एम मैं कैसे ढूंढूंगा आप लोग देखेंगे। कैपिटल एम के लिए अगर यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 0, तो x इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा 0। जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा इस फंक्शन में तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 0 बन जाएगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, 5। ठीक है, तो कैपिटल का एम क्या आ गया सर, कैपिटल का एम 5 आ गया। अब मुझे क्या ढूंढना है, स्मॉल का एम, तो स्मॉल एम ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू 3। स्मॉल एम ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू 3 मैं पुट करूंगा। चलिए स्मॉल एम के लिए एक्स इज इक्वल टू 3 मैं पुट करता हूं। अब देखिए यहां पर 2 है और यहां पर अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा हमारा। और देखिए मैंने लिखा 2 × 27 माइनस का 9 और 3 का स्क्वायर, x के प्लेस में मैं 3 पुट कर रहा हूं, x के प्लेस में अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 × 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस का 12 × यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, 12 × 3 प्लस का 5 हो जाएगा। करेक्ट है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो m इज इक्वल टू 27 प्लस का 2 हमारा क्या, 27 × 2 आ जाएगा 54, तो ये हमारा हो जाएगा 54 माइनस का 9 × 9 = 81 हो जाएगा, और प्लस का 12 × 3 = 36 आएगा, और प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ सर 54 प्लस का 36 कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा, और माइनस का 81 से प्लस का 80 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 और प्लस का 5 तो स्मॉल m इज इक्वल टू प्लस का 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 4। करेक्ट है, अब यहाँ पर देखिए कैपिटल का m क्या था, 5 आया था, और स्मॉल m 4 हो गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा कैपिटल का m माइनस का स्मॉल का m, तो 5 माइनस का 4 इज इक्वल टू 1, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वो 1 हो जाएगा। तो सुपर ट्रिक था, अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जे 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ स्मॉल m एंड कैपिटल का m रेस्पेक्टिवली देन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, x बिलोंग करो माइनस 3 से 1, देन द ऑर्डर पेयर, अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर बताना, उसमें क्या था कैपिटल का एम माइनस का स्मॉल एम हमको बताना था, इस बार का ऑर्डर पेयर स्मॉल एम और कैपिटल का एम इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कैपिटल का एम के लिए मैं पहले क्या पुट करूंगा, माइनस का 3 पुट करूंगा, तो जब माइनस का 3 मैं पुट करूंगा यहाँ पर एक्स के प्लेस पे, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू, देखिए माइनस का 3 में जब मैं पुट किया तो माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, और कैपिटल एम इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो सर 16 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और 16 प्लस का 3 जो होगा वो हमारा 19 आ जाएगा। करेक्ट है, अब यहां से अगर मैं स्मॉल एम की बात करूं तो स्मॉल एम ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा सर, स्मॉल एम देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू मैंने माइनस का 3 पुट किया था कैपिटल एम के लिए, और यहाँ पर x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करूंगा, जब मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा स्मॉल m के लिए, तो देखो जब यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 मैंने लिखा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3। करेक्ट है, तो 1 माइनस 1 ये हमारा 0 हो जाएगा सर, तो बचेगा क्या, प्लस का 3, तो
कैपिटल एम की मैं बात करूं तो कैपिटल एम जो 19 आया और स्मॉल एम क्या आया 3 आया, तो हमारा 3,19 जो है इस ऑप्शन, ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट हमारा करेक्ट है। रुक दे ना, एक मैं बोल रहा डी पार्ट हमारा करेक्ट है इसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, G2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक बार J2013 में भी आया था। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो मैक्सिमम हम लोग का 5 मिनट लग जाएंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे। और इस टाइप को मैं क्वेश्चन 2 सेकंड में बताऊंगा कि 2 सेकंड में कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x मॉड x dt। अगर इस टाइप को आपको दिखता है तो आपको लेबनीज थ्योरम लगाने का, लेबनीज थ्योरम आप लगाओगे, लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद क्या बोला, व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट फ्रॉम द y एक्सिस इज इक्वल टू ए ऑप्शन 1 होगा सर, बी ऑप्शन प्लस माइनस हाफ आएगा, सी ऑप्शन हाफ का 1 होगा, डी ऑप्शन माइनस का 1 होगा। अब थोड़ा सा मैं माइंड लगाऊंगा सर, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि मॉड एक्स है तो मॉड एक्स की अगर आप बात करते हैं, मॉड एक्स को ब्रेक करूंगा तो सर अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो माइनस का एक्स होगा, और अगर एक्स लेस देन 0 है, अगर ग्रेटर देन तो प्लस का एक्स आएगा, अगर लेस देन है तो माइनस का एक्स आएगा। मीन्स यहाँ से पता चला कि मॉड एक्स को प्लस माइनस के साथ हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि ये जो फंक्शन है वाई के इक्वल है, अब यहाँ पर क्या बोला कि पैरेलल टू द लाइन इंटरसेप्ट। अब देखिए यहाँ पर जो वाई इक्वल टू एक्स, ये ट्रिक हमारा अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर लिखा सर वाई इक्वल टू एक्स, आप मैं बोलूँ सर एक्स का कोफिशियंट कितना है, एक्स का कोफिशियंट कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, बोलो है ना, एक्स का कोफिशियंट कितना है 1। अब इसी 1 का अगर यहाँ पर कोफिशियंट 1 है 2 है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी कोफिशियंट यहाँ पर 1 है, 1 का मैं क्या करूंगा हाफ कर दूंगा, तो 1 का हाफ करूंगा तो वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 का कितना होगा सर 1/2 होगा। जब यहाँ पर मॉड लगा रहेगा तो मॉड को प्लस माइनस के साथ हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। तो जो अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट है। देखिए हम लोग 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखकर आंसर बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का जो मैं बोला था J2013 में आया था। देखिए वो क्वेश्चन क्या, द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट, 0 से x mod t dt, x बिलोंग कर रहा है कैपिटल का r, व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 2x r इक्वल टू क्या होगा। तो a ऑप्शन की मैं बात करूं तो a ऑप्शन प्लस माइनस 1 है, b ऑप्शन प्लस माइनस 2 है, c ऑप्शन प्लस माइनस 3 है, डी ऑप्शन प्लस माइनस 4 होगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए एक मिनट के लिए हम सोचते हैं। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, 2 सेकंड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा सर। यहाँ पर क्या लिखा सर, देखिए क्या बोला है, व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x, करेक्ट है। अब सर अगर यहाँ से मैं बात करूं x, x का देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 तो 2 है, 2 का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ क्या उतना होगा सर 1 होगा ना, तो 2 का हाफ कितना आया 1 आया, मॉड लगा सर यहाँ पर मॉड, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो कितना आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस 1। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन, देखिए 2 सेकंड क्वेश्चन को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि सर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ऐसे ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मैं एक बार फिर से कहूंगा आप उन बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करिए जो ITJEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, CET के लिए कर रहे हैं एंड अदर कंपटीशन इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।